डे स्टूडेंट्स इन दिस मोड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस द माइग्रेशन एज पापुलेशन डायनामिक माइग्रेशन रिफर्स टू द मूमेंट ऑफ पीपल फ्राम वन प्लेस टू अनादर ऑफ्टन ड्रिवन बाई एक्नॉमिक सोशल और पोलिटिकल फैक्टर्स लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहे वो पोलिटिकल फैक्टर्स की वजह से हो एक्नॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो या पर्सनल रीजन की वजह से हो और वो मूवमेंट जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए हो रिलेटिवली परमानेंट हो बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी ना हो तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इंक्लूड इंटरनल माइग्रेशन दैट इज़ विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन विच इज़ बिटवीन द कंट्रीज इन पाकिस्तान इंटरनल माइग्रेशन इज़ कॉमन पर्टिकुलरली फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज as well as from एरियाज़ affected by conflict एंड natural डिज़ास्टर्स तो जैसे कि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जो इंटरनल माइग्रेशन के प्रोसेस हैं वो उनका जो फ्लो होता है वो अमूमा रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ होता है लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटर लिविंग के लिए रूरल एरियाज से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं इसके साथ साथ कुछ जो है सीजनल माइग्रेस भी होती हैं जैसे मस जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है वहाँ से लोग जो है माइग्रेट करके तो ऐसे इलाक़ों की तरफ आते हैं जहाँ पे मौसम जो है वो रिलेटिवली रिलेटिवलीतदिल होता है फिर हम ये देखते हैं कि जिस तरह से हम इंटरनली डिसप्लेसड पीपल को देखते हैं कि जो आई हैं वो ड्यू टू वार और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी एक जगह से मजबूर हो जाते हैं दूसरी जगह जाने पे तो उनको हम आई कहते हैं फिर इसके साथ साथ जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है जैसे हमने देखा कि रिसेंट पास के अंदर फ्लड्स आए उन फ्लड्स की वजह से उनके अपने इलाकों को के लिए के अंदर रहना जो है या इनहेबिटेबल नहीं रहे वो इलाके तो जिसकी वजह से उनको अपने इलाके छोड़ के तो दूसरे इलाकों की तरफ माइग्रेट करना पड़ा अंडरस्टैंडिंग द डाइनमिक्स ऑफ माइग्रेशन इज़ असेंशल फॉर एनालाइजिंग पॉपुलेशन मूवमेंट

उसके पैटर्नस को भी देखना चाहिए उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि ख़ास तौर पर जो रेलिटिवली पर्मांट माइग्रेशन होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से या लो इनकम कंट्रीज से डेवेलप कंट्रीज़ की तरफ होती हैं ताकि वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को जाके प्रसू किया जा सके और इस तरह की माइग्रेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो लीगल भी होते हैं और इलीगल भी होते हैं जो इलीगल माइग्रेशन है उसके अपने रिप्रिकॉशंस होते हैं इसके साथ साथ जो माइग्रेशन के लिए जो अहम फैक्टर्स होते हैं जिनको हम पुश एंड पुल फैक्टर्स भी कहते हैं वो भी इसमें बड़ा एक कंट्रीब्यूटिव रोल प्ले करते हैं मसलन जो कर, जो होस्ट कंट्री होती है उसके अंदर जो भी अट्रैक्शंस होती हैं उनकी वजह से लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं इसलिए उनको जो है वो पुल फैक्टर्स कहा जाता है और जो आपकी होम कंट्री होती है जहाँ से आपने माइग्रेट करना होता है वहाँ पर ऐसे फैक्टर्स जो आपको आपकी कंट्री छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं उनको हम पुल फैक्टर्स कहते हैं पुश फैक्टर्स कहते हैं सो बाय एनालाइजिंग द कंप्लेक्सिटीज ऑफ माइग्रेशन वी कैन गेन आ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच सोशल एकनॉमिक एंड पोलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन मूवमेंट एंड इम्पैक्ट द डेवलपमेंट आउटकम्स एंड माइग्रेशन इज़ ऑफटन लिंक्ड टू द इशूज ऑफ सोशल इनकोलिटी एकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एज़ वेल एज़ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग तो माइग्रेशन का एक बहुत गहरा ताल्लुक है एक्नॉमिक अपॉर्चुनिटीज के साथ ख़ास तौर तो पर जब माइग्रेशन का फ्लो जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से डेवलप कंट्रीज़ की तरफ होता है तो उसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ही मदनज़र रखा जाता है इसके साथ साथ जो एक मेजर फैक्टर uh, है वो वहाँ का एनवामेंट है वहाँ की लिविंग है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है तो बहुत से ऐसे लोग जो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ से ट्रेन होते हैं जिनको हम ब्रेन ड्रेन का प्रोसेस भी कहते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं माइग्रेट कर जाते हैं और इसके नतीजे में पोटेंशियली जो कंट्रीज़ जो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती रिसोर्स से हाथ धो बैठती हैं इन एडिशन टू डैट द स्टडी ऑफ माइग्रेशन कैन शेड लाइट ऑन ईशूज़ रिलेटेड टू रिफ्यूजीज़ माइग्रेंट राइट्स इंटीग्रेशन एंड एसमेशन एंड ब्रेन ड्रेन तो रिफ्यूजीज़ का इशू भी माइग्रेशन के अंदर देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग जो कॉन्फ्लिक्स या वार्स की वजह से या लाइफ थ्रेट्स की वजह से दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर जाके जो है उनको एक रिफ्यूजी का दर्जा हासिल होता है जो कि वहाँ का नेशनल नहीं होता उसके राइट्स बड़े लिमिटेड होते हैं इस वजह से उसको पोटेंशियल इनक्वालिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ती है तो ये भी जो है सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अहम सोशल ईशू है जिसको के देखा जाता है इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन और इसमेलेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से इमिग्रेंट्स के ऊपर असरअंदाज होता है क्योंकि एक फ़र्द जो अपने कल्चर ऑफ औरिजन के अंदर तरबियत याफ़्ता होता है वो जब होल सोसाइटी के अंदर जाता है वहाँ पे डिफरेंट कल्चर को ऑब्ज़र्व करता है और डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस से उसका सामना या वास्ता पड़ता है तो वहाँ पे जाके उसको ये दो मेजर प्रॉब्लम्स पेश आते हैं एक कल्चरल इंटीग्रेशन का और दूसरा असमिलेशन का तो इट्स अ तो फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप देखें कि हमारे जो एक्सपैट्रिएट्स हैं जो वो लोग जो फ़ॉरन कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं उनमें से अगर आप किसी का इंटरव्यू कर सकें तो उससे पूछ सकते हैं कि आपको जब वहाँ पे आप जाते हैं तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है माइग्रेशन के इस प्रोसेस के अंदर उनके लिए क्या पुश फैक्टर्स होते हैं क्या पुल फैक्टर्स होते हैं और ख़ास तौर पे क्या पॉसिबिलिटी होती है उनके लिए कि वो वापस आके अपनी होस्ट कंट्री के अंदर रहना शुरू कर दें